जब पैसा नहीं आता उसे क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। वेरी गुड। देखो एरियर्स का मतलब जानते हैं आप? एरियर्स कहते हैं आउटस्टैंडिंग्स। आउटस्टैंडिंग जानते हैं ना? अरे सर सुना है ना आउटस्टैंडिंग? वही वाला जो आपको ये पता नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो पैसा जो हमारा किसी पे बाकी है वो अब तक हमें मिला नहीं है, यही होता है ना आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एरियर्स का मतलब है, यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, ये कॉल्स का यहाँ पे क्या मतलब है? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं, इस कॉल का मतलब है कि हमने आपसे पैसे मांगे हैं और अभी तक हमें मिला नहीं है। हमने मांग तो लिया लेकिन मिला नहीं है, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर? और जब पैसा मांगा जाए और फिर ना मिले तो ऑब्वियस सी बात है वो एप्लीकेशन की तो बात ही नहीं हो रही। एप्लीकेशन की कहानी आपको मालूम है क्या होता था? एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में बेटा पहले ही रिसीव हो जाता है, बाद में इसे ट्रांसफ़र या ड्यू करते हैं, है ना, बाद में इसे ट्रांसफ़र या ड्यू कह लीजिए आप। और अलॉटमेंट में क्या होता है बेटा? पहले मांगे जाते हैं और फिर हमें मिलता है, तो इसे कहते हैं ड्यू करना। और तो ये एरियर्स किस में दिखेगा आपको? अलॉटमेंट। और किस में दिख सकता है? और किस में देख सकता है? फाइनल कॉल में देख सकता है। समझ गए? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल में ये सिचुएशन आ सकती है कि हमने जितने नंबर ऑफ शेयर से पैसे मांगे थे उनमें से कोई ऐसा बंदा था जिसके पास शेयर्स थे 2-4-500, उसने एप्लीकेशन तक तो दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, ये फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। तो सर कॉल्स इन एरियर्स में अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, एक इंस्टॉलमेंट में उसने दे चुका, एप्लीकेशन वो दे चुका है और वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पा रहा है, तो क्या करते हैं? हमारे पास बहुत सारे प्रोविज़न है। पहली बात ये है कि हम वेट करते हैं कि चलो जी अलॉटमेंट नहीं दिया, ये मैनेजमेंट पे डिसाइड करता है। जब इशू शेयर करा जाता है उसी वक्त लिख दिया जाता है कि देखिए सर आपने पैसे नहीं देंगे तो हम क्या करने वाले हैं। तो पहली सिचुएशन लेते हैं जिसमें ये क्या करने वाले हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ऐसा करिएगा, आप एक इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे तो अगले इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा। तो अगले इंस्टॉलमेंट में जो ये वाला दे रहे हैं आप ये तो दीजिएगा दीजिएगा, साथ में आप पिछला वाला भी पैसा जो आपके ऊपर रह गया वो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको साथ में क्या देना पड़ेगा बच्चा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। एक तो ये है। सर मान लीजिए ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया, तब आप क्या करोगे? तभी भी हम, हो सकता है कि हम वेट करें, कुछ दिन वेट करेंगे, नहीं देगा तो उसके शेयर को हम कैंसिल कर देंगे और उसे हम फोरफीट कर लेंगे, उसके पैसे को क्या करेंगे? फोरफीट, शेयर्स नहीं, उसके शेयर को कैंसिल करेंगे और उसके पैसे को क्या करेंगे? फोरफीट करेंगे, मतलब उसका जो पैसा है वो हम रख लेंगे, जब्त कर लेंगे और शेयर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात सिर्फ ये समझनी है कि एरियर का मतलब था पैसा नहीं मिला। तो अब ये बात मालूम किस में चलेगा कि पैसा नहीं मिला? क्या ये रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव में पता चलेगा? क्या ये एप्लीकेशन ड्यू में मालूम चलेगा? क्या ये अलॉटमेंट ड्यू में आएगा? नहीं बेटा, आप किसी से मांगने से पहले तो बोल नहीं सकते कि जी मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्ल से कि पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ये कब पता चलेगा? जब आपके पास सारे पैसे आ जाएंगे, और अगर किसी ने नहीं दिया तब आप बोल सकते हैं कि हाँ जी आपने पैसे नहीं दिए। आप ड्यू करते वक्त नहीं आएगा, यहाँ पर रिसीव में इस चीज़ का इफेक्ट दिखेगा। बस समझ में? तो अगर हम किसी चीज़ की ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, तो मान लीजिए हम लोग जब ड्यू की किसी की एंट्री करते हैं बेटा, अलॉटमेंट ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो आप लोग क्या लिखते हैं? शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखते हैं ना आप लोग? ओके, तो ये हमने एंट्री करी। सर प्रीमियम पे होता तो ये वाली एंट्री में क्या आ जाता? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रीमियम पे होता तो ऐसे हो जाता। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मैं ले लेता हूँ एक 10,000 शेयर्स जो है मैंने इशू किए थे और अलॉटमेंट का जो अमाउंट था वो कितने करके था बेटा? 5। ये 10,000 इंटू का 4 रुपये का तो कैपिटल का पैसा था और 10,000 इंटू का 1 रुपये जो था प्रीमियम। ये नंबर्स जो है मैंने अपने तरफ से ले लिए, सुन रही हो ना? तो ये कितना है बेटा टोटल? 50,000। ये बोलिए तो, ये बोलिए तो, वेरी गुड। अब बात करते हैं रिसीव के बारे में, बात करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, यही होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले भी यही एंट्री करते थे ना। अब ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि एक बंदा है जिसका नाम है ए, ठीक है जी। ए जिसके पास है 500 शेयर्स, कितने शेयर्स हैं भैया, सारे के सारे 10,000 शेयर्स ए के पास तो नहीं रहे होंगे ना, अलग अलग बंदों के पास होंगे। उसमें से एक ए है जिसके पास कितने शेयर हैं, 500 शेयर है, डिड नॉट पेड आफ्टर एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ दिया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अच्छा सर, अब मुझे बताइए अगर अलॉटमेंट नहीं दिया, हमने कितने शेयर होल्डर से पैसे मांगे थे, कितने शेयर्स के पैसे मांगे थे बेटा, बोलो बोलो। 10,000 शेयर्स में से क्या सबके पैसे मिल गए, कितने के नहीं मिले? तो अकाउंट में जो पैसा आएगा बेटा वो कितने का आएगा, 9,500 का आएगा। नहीं बात समझ में आई, बोलो नहीं आई, आ गया सच में नहीं आए। सर ये 10,000 टोटल कितने शेयर से पैसे मांगे हमने, ये भाई कितने शेयर के पैसे मांग रहे हैं आप? अब यहाँ पे ये इसने बोला ए एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, मान लो वो बंदा जो है वो अब नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहा है, तो अभी भी क्या पूरे शेयर्स के पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इस 10,000 में से जिसने पैसे नहीं दिए उससे हटा देंगे हम, और हटाने के बाद बचते हैं 9,500 शेयर्स, और उस पर कितने पैसे मिलेंगे बेटा, 4 के हिसाब से, 1 के हिसाब से, 5 के हिसाब से, पूरे 5 के हिसाब से। क्लियर है, समझ में आई बात? क्या बताया आपने वैल्यू, 47,500। ये बात समझ में आ गई? तो एक तरीका ये हो गया इस एंट्री को करने का कि पैसे नहीं आए, जितने आए उतना लिख दीजिए आप। सर कोई दूसरा भी तरीका होता है? हाँ जी, दूसरा भी तरीका होता है। वो दूसरा तरीका क्या, एंट्री तो बेटा यही होनी है जो हो रही है, क्योंकि चेंज नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का थोड़ी ना चेंज होगा कि पैसा आएगा तो कुछ और हो जाएगा, कम आएगा तो कुछ और, ज़्यादा आएगा तो कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं होता। कम भी आएगा तो जाएगा तो बैंक अकाउंट में ही ना। और यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी यहाँ पे देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने डेबिट किया था ये यहाँ पे वही क्रेडिट कर रहे हैं हम, लेकिन पैसा हमारे पास आया कितना बेटा, बोलो बोलो, 9,500 शेयर्स, कितना करके, 5 करके, जबकि मांगा कितना था, जो नहीं आया है वो पैसा उस पर हमारा बाकी रह गया, बोलो ना, बाकी रह गया। तो जिस पे मेरा पैसा बाकी रह गया उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और ये वैल्यू कितनी होगी, 500 इंटू का 5। बताई बात समझ में आई? और आपने ये वैल्यू कितनी बताई थी बेटा, और ये बोलिए। तो सर क्या हमारे पास ये दो ऑप्शन है कि हम विदाउट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के ओपन किए भी एंट्री कर सकते हैं और विद कॉल इन एरियर्स के साथ कर सकते हैं? तो आप ये भी चुन सकते हैं और ये भी चुन सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि हमें विद एरियर्स करना है या विदाउट एरियर, मतलब उसका अकाउंट ओपन करना भी है या नहीं करना, ऐसी सिचुएशन में हम क्या आउट करें? तो बेटा जो आपको पसंद हो वो कर ले, कोई मसला नहीं इसमें। समझ में आई बात? जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ना वहाँ पे जो आंसर शीट आती है चेक करने के लिए उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। समझ में आई बात? दोनों ऑप्शन और लगा के ऑप्शन होंगे वहाँ पे। टीचर के सामने जो सॉल्यूशन दिया जाएगा उसमें ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, जैसा आपने क्या होगा उसके हिसाब से वो टिक लगा देगा। तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके भी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है तो सबसे बेहतर तरीका है ये वाला, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आपको एरियर्स दिखाना पड़ेगा कि कितना पैसा रह गया था, कितना नहीं मिला था। और ये एरियर्स भी बैलेंस शीट में जो है वैसे तो देखने में ये एसेट्स का पार्ट लग रहा है, क्योंकि हमारा पैसा बाकी है, हमारा पैसा किसी पे बाकी रहे तो एसेट्स होता है। लेकिन अगर उसे लायबिलिटी के साइड में जाके लिखूंगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये एरियर्स जो है वो जितना भी कैपिटल होता है उसमें से ही माइनस करके दिखाया जाता है कि इतना पैसा कैपिटल में नहीं आए। वो मैं करके दिखाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा तुम। ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी, पहले इतना छाप लीजिए। अब ये एग्जांपल हमने लिया था, बस आप ले लीजिए इसको फटाफट, फिर हम करेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर। अभी हमें ये सीखना है इसमें
कि जो एरियर्स है, क्योंकि हमें पता है बैंक को या कैपिटल ऊंचा है तो उसे हम लोग कहाँ पे एंट्री करके दिखाते हैं, एसपीआर को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं। अब हमें ना एरियर्स के बारे में थोड़ा सा बैलेंस शीट में सीखना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लें। देखो, बैलेंस शीट में जब आप जाते हैं ना तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल आप दिखाते हो, तो बेटा शेयर कैपिटल जो आप दिखा रहे होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे करता हूँ नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ उसको। तो मैं नोट्स टू अकाउंट्स की बात कर रहा था, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में पहली लाइन किस चीज़ की आ जाएगी? ऑथराइज्ड की। याद हुआ है कि नहीं बैलेंस शीट अब तक आप लोगों को? ऑथराइज के बाद इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ध्यान से समझना। अब देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब था कि जितना उसने सब्सक्राइब किया, क्या उसमें से सब लोगों ने सारे पैसे दिए हैं या नहीं दिए। इसके दो कैटेगरी हो जाते हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। ये दो अलग अलग बातें आ जाती हैं। तो अभी ध्यान से देखिएगा, तो कैटेगरी लिख रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, कि सब्सक्राइब्ड हुआ है एंड फुल्ली पेड अप, और एक कैटेगरी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरी तो आएगी आएगी, कि एक बंदा ए था जिसने पैसे पूरे नहीं दिए थे एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये दो कैटेगरी हुए। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं शेयर ऑफ रुपीस ईच, ये स्पेस होता है जिसमें हम शेयर्स लिखते हैं, और यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ लिखेंगे जी शेयर्स ऑफ रुपीस ईच। अब जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया आपके सामने, अगर उसमें बात करें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा, ध्यान से बताओ कितने थे? अब 10,000 के दो हिस्से करें, जिसने पूरे दे दिए और जिसने पूरे नहीं दिए। कौन ऐसा नालायक है जिसने पूरे पैसे नहीं दिए? ए ने नहीं दिए। कितने शेयर्स थे उसमें? और जिसने पूरे दे दिए वो दूसरे शेयर होल्डर से, तो इसका मतलब 10 में से अगर 500 के शेयर्स के पैसे नहीं मिले, इसका मतलब 9,500 शेयर्स के पैसे मिल गए। आ रही बात समझ? 500 शेयर्स के पैसे नहीं मिले और 9,500 शेयर्स के पैसे मिल गए। अब जो नहीं मिले हैं वो फुल्ली पेड अप में जाएगा या नॉट फुल्ली में? वो नॉट फुल्ली में जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे 500 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने का था बेटा? 5 ईच। बेटा एक शेयर कितने का था उस पे मैटर करता है, वो इंस्टॉलमेंट कितने का था जो उसने नहीं दिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ रहे हैं? वो 500 शेयर्स कितने वाले थे? 10 रुपए वाले। 500 शेयर्स 10 रुपए वाले थे। बात समझ में आ रही है? 500 शेयर्स कितने वाले थे? 10 रुपए वाले थे। क्लियर है ये बात? अब जिसने दे दिए, मैं मान वहां पे एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं कि वो जो शेयर्स थे वो 10 रुपए के थे, उसमें से अलॉटमेंट कितने का था? 5 रुपए का, जिसमें प्रीमियम के साथ था वो, है ना। अब यहां पे अगर बात करते हैं आप कि सर यहाँ पे कितने शेयर आएंगे, 9,500, कितने वाले? 10 वाले। इसमें तो पूरे पैसे मिल गए होंगे, 9,500,000। इसमें बन रहे थे कितने टोटल? 5,000। कितने बन रहे थे? बाकी इसने नहीं दिए इस 5,000 में, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉल्स इन एरियर्स। पहले क्या होता है, जिस ए है ना, ए का पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ए आपके पास 500 शेयर हैं, आप 10 रुपए करके एक शेयर ले रहे होते, तो 500 × 10 बोले तो 5,000 आपका बिल बैठता है। अब 5,000 में जो आपने नहीं दिया है वो मैं माइनस कर देता हूँ। अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया था? 2,500 रुपये। लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी तो हो बेटा, फर्स्ट कॉल भी तो होगा, सेकंड कॉल भी तो होगा। मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ बस, यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद मैं इस वैल्यू को लिखूंगा, इसको टोटल लिखूंगा। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई कॉल्स इन एरियर्स कहाँ जाता है, ये एनालिसिस का जो बुक है ना, वहां पे सवाल भी आता है कि सर कॉल्स इन एरियर्स को बैलेंस शीट में आप कहाँ दिखाते हैं, तो आप दिखाते हैं शेयर कैपिटल में, लेस करके किससे?
सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, बस समझ में आई, सब्सक्राइब कैपिटल से क्या कर देते हैं आप, लेस कर देते हैं। क्लियर? तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। बैलेंस शीट तो बस लर्न करना है, बाकी चीजें तो बस वैल्यू पुट करते रहेंगे बार बार। समझ में आ गई बात? तो एरियर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि कॉल्स इन एरियर्स जो होता है उसमें अगर हम देखते हैं तो कॉल्स इन एरियर्स को बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल से माइनस करते हैं। कॉल्स एरियर्स की एंट्री अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको डेबिट करना पड़ता है, और नहीं दिखा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है उसमें, आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए। समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी। चलो अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 21 ब्लू चिप कंपनी